रातां ना सोए ए मुंडा दिल दिया गल्ला के वे तेनू सुनावा कुड़िए ते सुन जा from the left to the right to the front to the back girl I gotta know how you do it like that will you be my superstar let 'em know how cool we are from the left to the right to the front to the back girl I gotta know how you do it like that chale to the stars only thing is I don't have a car na mere kol hai gaddi na mere kol hai paisa par main promise karta mere dil vich teri jagah na mere kol hai gaddi na mere kol hai paisa par main promise karta mere dil vich teri jagah mere dil vich teri jagah मंजिल है तू कश्ती हूँ मैं साहिल है तू देखूं जिधर आए नजर मंजर में हर हायल है तू बेअसर हुई हर दुआ फिर भी ना तू मेरा हुआ देखकर मुझे आज़मा नाराज़ियाँ खामोशियाँ छोड़ दे तू आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल है। आपके वैसे ही सर में दर्द हो रहा होगा। मैं आपको मेडिसिन देती हूँ, वो इस्तेमाल कीजिए। शुक्र है अल्लाह का, मेरा बीपी नॉर्मल है। ऐसे ही मैं परेशान हो रही थी और मेरी बेटी मुझे जो दवाई देती है ना, मैं सिर्फ वही खाती हूँ। इतनी शिफा है माशाल्लाह तुम्हारे हाथ। लो भाई, नूर छुट्टियों पे आई है और तुमने आते ही उसे इलाज मुआवजे पे लगा दिया। नहीं, मैंने कहा इलाज मालजे पे लगाया, मैं उनको सिर्फ बीपी चेक कराया। सर में दर्द हो रहा था। इलाज मालजे के लिए तो अभी मोहल्ले वाले आएंगे जब उन्हें इसके आने का पता चले। यानी डॉक्टर बनने से पहले ही डॉक्टरी शुरू। कोई बात नहीं। अब्बू, ये क्या है? ये भाईजन के घर से आया बेटा, शमामा की शादी का कार्ड है। अच्छा, शमामा की शादी कहाँ कर रहे हैं? समीना अपनी बहन के बेटे से कर रही है। तो भाईजन ने बहुत ताकीद की आने की, जरूर चलना। तुम बेगम एक कप चाय पिला दो जरा आगे। अरे आपकी फरमाइशें खत्म नहीं होती हैं। जिया तेरे जीवन में ये जान के इस रात का ना होगा सवेरा। हंसते रहे सनम, मान ले तुझसे नहीं मैं खुद से जो हारा। जान के भी हम रुके, जान के भी ना गए, जान के भी ना गए, जान के खुद से ही हारा। वो मिले मुझको कभी तो कहूँ से हारा मैं तुझसे, तो वक्त से अपने से भी। वो मिले मुझको कभी तो कहूँ से हारा मैं तुझसे, तो वक्त से अपने से भी। कोई मरासी से डॉक्टर लड़की तो नहीं शादी करेगी, है ना? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आप बहुत अच्छे हैं। कोई भी लड़की आपके साथ शादी कर सकती है। आपको नहीं क्यों देखा, आप तो यकीनन कोई अपनी वजह से करेंगी। जान के खुद से ही हारा, सब कुछ मिला पर तुम ना मिले, धोखा नहीं था खुद से वो वादा। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, किसी सिंगर से शादी नहीं करूँगी। बिल्कुल लग गया कुछ झूठा नहीं जो खुद से मैं हारा, जान के भी हम रुके, जान के भी ना गए, जान के भी ना गए, जान के खुद से ही हारा। वो मिले मुझको कभी तो भूल से हारा, मैं तुझसे तो बात से अपने से भी। वो मिले मुझको कभी तो भूल से हारा, मैं तुझसे तो बात से अपने से भी। जान जान के भी ना गए, जान के भी ना गए, जान के खुद से ही हारा। हेलो नूर, शुक्र है तुम्हारा फोन तो मिला। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत मुबारक हो तुम्हें। खैर मुबारक, इसका मतलब है कार्ड मिल गया तुम्हें। हाँ आओगी ना? क्यों नहीं आऊंगी, तुम्हारी शादी में कैसे मिस कर सकती हूँ, जरूर आऊंगी। कब आना है? कितनी बेवकूफ हूँ, आज भी वही खड़ी हूँ, कुछ भूल क्यों नहीं जाती, जैसे सब भूल गए। वलीद, शमामा, सब। नूर तुम आ गई। ओह मुझे यकीन नहीं आ रहा, किसके साथ आई हूँ? मैं खुद आई हूँ हॉस्टल से, और पता है अब मैं हर जगह खुद ही आया जाती हूँ। फाइनली। तायमी कहाँ है? सब अंदर है, आओ तो आ जाओ, इसको छोड़ दो वो ले जाएगा, आ जाओ। आप क्यों लेकर आ गए? दुल्हन में काम नहीं करती। तुम्हें देखकर मैं इतनी खुश हूँ कि बस काम करना शुरू कर दी। ओह माय गॉड, और देखो कॉफी बनाना है, हालांकि तुम चाय पीती हो। दिखाओ। अरे कोई बात नहीं, आप मैं कॉफी पीती हूँ। रियली? बहुत बदल गई हो। बहुत ज्यादा। तब्दीली अच्छी होती है। घर पर कोई रुचि नहीं थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा की, तो बहुत रंज है उसका। ऐसी ज्यादा कुछ ओवर रिएक्ट किया जब वलीद ने मेरे लिए इनकार करके खाला से तुम्हारे लिए कहा। अब इस बारे में कुछ मत कहना। अपनी जिंदगी उसके साथ और अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है शमाना, और तुम्हें पता तो है बातें करने की आदत है उसकी। ऐसे मुझे भी पता नहीं क्या क्या कह दिया था। नहीं, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता और ना ही मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। अब तुम दोनों की शादी होने वाली है शमाना, प्लीज। शादी? एक सेकेंड, तुम क्या सोच रही हो? मैं और वलीद, स्टुपिड, मेरी और आबिस की शादी होने वाली है। बेवकूफ हो तुम। कार्ड खोल के भी नहीं देखा तुमने? कैसे देखती, हिम्मत ही नहीं मेरी कि उसका नाम किसी और के साथ में देखो। और फिर भी शादी में शिरकत के लिए आ गई। वो तो मैं तुम्हारी वजह से आई थी। इडियट, मैं उससे कैसे शादी कर सकती थी जो तुम्हें अच्छा लगता था? और मैं शमीला की तरह तुम्हारे नसीब भी नहीं चुरा सकती थी। बहुत सोचा मैंने, और फिर मुझे लगा कि अगर ईगो को एक साइड पे करना तो फिर तो कोई मसला ही नहीं। और ना ही मुझे वलीद से इतनी मोहब्बत थी कि उसको किसी और के लिए छोड़ना मुझे कुर्बानी लगता। तो बस मैंने बेहतर इंतखाब किया। आबिस और मैं ज्यादा कंपैटिबल हूँ, जैसे तुम और वलीद एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं। हम थे, बहुत आगे गुजर। और अब जो गाना आप लोगों को मैं सुनाने जा रहा हूँ किसी के लिए मैंने लिखा था, और आज मुझे मौका मिल रहा है कि पहली दफा मैं उस शख्स के सामने परफॉर्म करूंगा। पता है, तुम्हारी पेशन गोई पूरी हो गई, मैं बहुत फेमस सिंगर बन गया।